है, तो 5 रुपये का ये, 10 रुपये का ये, 100-150 सीन्स। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार, इतना गाड़ी कंट्रोल करने के चक्कर में पूरा लेफ्ट शोल्डर मेरा दुखने लगा। जो ख़राब गाड़ी रहती है ना वो अपने ढाबे की बार खड़ी करने लगे हैं ताकि लोग देख के अंदर आए। ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षत एंड यू वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। तो ये पिछले के 2 दिन जो आपने देखे हैं उडुपी में स्कूबा डाइविंग एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग, इस वीडियो में आ जाने वाले हैं उडुपी से कुर्ग, अब माउंटेंस चलने वाले हैं और केरला भी इंटर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, इंस्टाग्राम में अगर आप हो तो आप ऑलरेडी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होगे, देख रहे होगे। तो यार एक चीज़ बस बोलूँगा, 2-3 वीडियोज़ के लिए और एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा जो माइक है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैसूर में मुझे डिलीवर हो जाएगा, तो माइक जो अडेप्टर है वो खरीद लिया है। और ना डोनेट कर देना भैया, है ना, 50-100 रुपये जो करना है कर दो, क्योंकि वो चीज़ महंगी आई है। 5,000 रुपये का माइक अडैप्टर भी यूज़ किया है, जस्ट जोकिंग गाइस। सो 5,000 रुपये का वो ऑर्डर कर दिया है माइक, एक्सटर्नल माइक के लिए, क्योंकि वो ख़राब हो गया था ऑब्वियसली। सो या कीप सपोर्टिंग, चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं कुर्ग, चेक इन करेंगे दी हॉस्टेलर में, 400 रुपये का बेड, और नेक्स्ट डे मैंने लिटरली 1 रुपये का बेड किया भाई, आप लोग यकीन नहीं करोगे। चलो एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। बाइक पर पूरा लोड करना है सच अ टास्क, इसको पूरा रोप से बांधना पड़ेगा। मैं यहाँ भी रख सकता हूँ इसको, यहाँ नीचे के साइड, बट पीछे ही बांध रहा हूँ इसको फिलहाल, ही देखो इसको इधर ही बांध रहा हूँ, क्योंकि फिर जब गाड़ी चलाओ ना तो थोड़ा आगे पीछे आपको एडजस्ट करना पड़ता है, अब एक ही जगह बैठे नहीं रह सकते बहुत देर तक। तो अगर मैं बैक पीछे बांध देता हूँ तो मैं अपने आगे पीछे यू नो तशरीफ को कर नहीं सकता, सो दैट्स द रीज़न कि मुझे इसको यहाँ बांधना है। लवली स्टे, ओके, रियली एंजॉयड इट, ओके, थैंक यू, विल बी बैक सून इफ पॉसिबल। ठीक है, तो वो YouTube का जो बताया, हाँ यस यस, वो आज सुबह भी शूट किया, हाँ भेजता हूँ एडिट करके, हाँ यस एडिट करके भेजता हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। चलो जस्ट इन केस अगर आपको लगे कि आपको एप्लीकेशन चाहिए आपके बिजनेस के लिए, आई कैन मेक इट फॉर यू, मैं यही एंड्रॉइड में ऐप्स ही बनाता हूँ, डेवलपर। चलिए थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम भी निकलते हैं, ओके, गेटिंग लेट, थैंक यू, बाय बाय। टाइम इज शोइंग करेंटली इट्स 4 hours 12 minutes, 193 kilometers, क्या बोलते हैं अपना उडुपी टू कुर्ग। तो भाई देखो ये हाईवे है, हाईवे के आपको राइट साइड में पड़ेगा मालपे और लेफ्ट साइड में पड़ेगा आपको उडुपी। उडुपी में भी रुक सकते हो, ये सामने मेरी उडुपी है, दिस इज़ उडुपी, बहुत सारी बसेज है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो अगर आपको रुकना है तो डेफिनेटली आप यहाँ भी रुक सकते हो। और इसके आगे एक है मणिपाल, वो भी विजिट करने के लिए बहुत अच्छा है। मेरे को एक्चुअली बीच के पास रहना था इसीलिए मैं वहाँ पे रुका, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी अभी यहाँ से 60 kilometers मैंगलोर है, 1 घंटा लगेगा, फिर वहाँ से अपने को करीब 2.5-3 घंटा और लगेगा जाने के लिए कुर्ग। चलो भाई, तो जैसा आपने देखा, अब जैसे ही आप उडुपी साइड आओगे, उडुपी से जैसे ही आगे निकलोगे तो आपको यहाँ पे 60 किलोमीटर्स पूरा हाईवे मिलेगा टिल मैंगलोर, ऐसे आप देख सकते हो हाईवे है, और ये जो हाईवे है ये पूरा केरला तक जाता है, सो इट इज़ मुंबई केरला हाईवे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है। तो आप इस पर चलते रहोगे मैंगलोर तक, मैंगलोर से आपका रास्ता कटेगा कुर्ग के लिए, और वहाँ से थोड़ा बहुत पहाड़ का रास्ता चालू हो जाएगा जो कि अभी आगे आपको दिखाऊँगा मैं। सो हैव अ लुक एट दिस ब्यूटिफुल टेम्पल, श्री महालक्ष्मी टेम्पल, और ये जस्ट अपना उडुपी से अपन जा रहे हैं ना मैंगलोर के साइड, तो उसी हाईवे पे साइड में लेफ्ट साइड है, कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर, मतलब माय गॉड, बस देखते रहो ऐसे मंदिर को, वाह अंदर ये पूरा है बहुत सुंदर, अभी अंदर जा नहीं रहे अभी, तो कुर्ग आप आगे किसे पूछा नहीं, नहीं नहीं हाईवे है ना सीधा, नहीं इट्स थैंक यू वे गोइंग गुड, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उससे पूछ के जाओ, कॉपरेट करके जाओ, ओके रॉन्ग साइड नहीं जाओ, दिस साइड बोलता है ना था, बट दिस इज हाईवे ना, पूरा स्ट्रेट हाईवे टू केरला, केरला जाता है, यस यस, हाँ वे गोइंग दैट साइड, कुछ खाया, हाँ यस यस, थैंक यू, धन्यवाद। टेम्पल ब्यूटीफुल, हाँ बहुत सुंदर, मैं गोरेगांव से जवाहर नगर, अच्छा टॉकी से है ना, अच्छा अच्छा वहाँ रहता हूँ, ओके आपको तो हिंदी आता है अच्छे से, ओके मेरा फ्लैट उधर है, अच्छा भाई लोग को दे दिया, मेरा भैया अंधेरी वेस्ट में रहता है, अभी इधर पुणे बहुत लोग समझते हैं ना इसलिए मुंबई बोलता हूँ, ले ले आप लोग गाड़ी संभाल के जाओ, हाँ यस यस, वो टेक नहीं करो, नहीं नहीं आराम से जाते जान लो, आप साइड से जाओ, यस यस, ट्रेन से आने का ना, अरे ऐसे धीरे 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 थोड़े थोड़ा, ये भी सारा बहुत चक्कर का काम है, चलिए अच्छा मिला, अच्छा लगा आपसे मिल के, हाँ आप संभाल के जाओ, यस यस यस, मेरी उम्र हो गया कितने माल में, हाँ 67, अच्छा पेंशन पे आ रहा है, हाँ पेंशन अच्छा पेंशन आ रहा है,
वही आ चुके हैं अपन मैंगलोर सिटी, और ये मेजर सिटी है, इसके बाद लग जाता है केरला बॉर्डर। और बढ़िया है, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने को रहा तो खाएंगे पियेंगे, लेट्स सी। बहुत कुछ है यार घूमने को, बहुत कुछ, मतलब अभी कितना घूम ले समझ में नहीं आता, बट जगह इतनी है यहाँ पे घूमने के लिए, मैंगलोर उडुपी ये सारी जगह की कुछ कह रहा ही नहीं। थैंक यू। ये जगह है भाई जहाँ पे बाइक में पैसे बचते हैं, अच्छे खासे पैसे बच रहे हैं, क्योंकि अभी मैं लिटरली पुणे से मुंबई गया था तो एक दिन का टूर में आना जाना ही मेरा कुछ 800-900 रुपये लग गए थे भाई। तो ये चीज़ है जो टोल का पैसा बाइक में बचता है, एवरेज अच्छा मिलता है। हाँ डेफिनेटली आपको कार में एसी मिलता है, कन्वीनियंस है, बढ़िया है, मस्त है। संतरे लग रहे हैं, संतरे लेना चाहिए क्या? नहीं छोड़। तो ये चीज़ है भाई, बाइक इज़ फन, कार इज़ कन्वीनियंस। 115 किलोमीटर और 2.5 घंटे और दिखा रहा है। ईजी बॉय, ईजी, आराम से पहुँचेंगे, आराम से। चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट लिए, और पुत्तूर सिटी ऑफ पर्ल्स लिखा हुआ था, पता नहीं बट यहाँ पे पर्ल्स कहाँ से आएंगे। थोड़ा सा रेस्ट लिया है, अभी कॉफ़ी पीता हूँ, थोड़ी नींद से आने लगी है। नींद भी मतलब ऐसी आँखें बंद हो रही थोड़ी सी, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार, इतना गंदा, मतलब वो हाईवे बन रहा है वहाँ पे, इतना ज़्यादा परेशान हो गया भाई। पूरी तो गाड़ी लोडेड है पूरी, तो उसके कारण पूरा मतलब गाड़ी कंट्रोल करने के चक्कर में पूरा लेफ्ट शोल्डर मेरा दुखने लगा। तो चलो कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलेंगे। और अभी यहाँ से टाइम 1 आवर 50 मिनट दिखा रहा है फॉर 90 किलोमीटर्स। पूरा डस्ट हो गया यार, कपड़े अपने पूरे धोए थे कहाँ पे, अपने मालपे में, वही होम स्टे में, पूरे गंदे हो गए वापस से। डस्ट इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा डस्ट, क्योंकि हाईवे बन रहा है ना वहाँ पे, तो पूरा डस्ट खतरनाक था। 200 ml ये 500 ml का पानी लो, दो पाउच भी डाल लिया ना इसमें, लिए लिटरली 2-3 घंटे के लिए फुर्सत। मैं पहले रेडबुल पिया करता था, मॉन्स्टर पिया करता था, बट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो 5 रुपये का ये, 10 रुपये का ये, सॉर्टेड सीन्स। चलो भाई बढ़िया कॉफ़ी पी ली है, नाउ लेट्स गो। 90 किलोमीटर से तो अभी, और बीच में कहीं और देख लूँगा मैं एक छोटा सा, और या लेट्स गो। यार सुबह जल्दी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, अभी धूप हो गई है, माय गॉड, ट्रैफिक भी, ये सब का जो मिक्सचर है ना यार, जो परेशान कर रहा है भाई। नेक्स्ट टाइम से मैं अब ध्यान रखूँगा कि सुबह सुबह निकलूँ जैसे अभी तक करता आ रहा था, क्योंकि ये जो अभी गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब खतरनाक। अभी तो टाइम ही क्या हुआ है, 12 बज रहा है, और अभी तो ये 2-3 बजे तक रहेगी ये धूप। तो भाई एक चीज़ जो लिटरली एकदम मेरे को फ्रस्ट्रेट कर दी है यहाँ के कर्नाटका के रास्तों में, एक चीज़ गाड़ी चला के, भाई सामने से अगर कोई बस वगैरह आ रही है ना, लिटरली वो आपको साइड नहीं देगी। अगर आप 2-व्हीलर में हो ना, आपकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी या फिर कोई 4-व्हीलर या फिर कोई बस ट्रक सामने से अगर ओवरटेक कर रहा है, तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको ही अपनी बाइक जो है सड़क से नीचे उतारनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग सामने वाले कुछ नहीं करते भाई, वो लिटरली मार के निकल जाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख लोगे जहाँ पे ये जो कर्नाटका स्टेट बस के जो ड्राइवर्स हैं ना, लिटरली इज्जत नहीं करते भाई, वो मारते हुए निकल जाते हैं भाई 2-व्हीलर्स वालों को। तो इसलिए ये चीज़ मैंने देखी हुई थी, इसलिए मैंने बोला कि भाई सेफ चलते हैं, साइड धीरे धीरे चलते हैं, और सीधे चल के कहीं लंच करते हैं, लेट्स गो। ओके भाई, तो उडुपी जस्ट 40 किलोमीटर और, सॉरी उडुपी बोल रहा हूँ, कुरुक बस 40 किलोमीटर और है, उससे पहले एक स्टॉप लिया है यहाँ पे उडुपी गार्डन, उडुपी छोड़ नहीं पा रहे भाई, तो प्योर वेज देखते हैं यहाँ पे, कुछ थाली वाली खाएंगे, एंड या गोइंग गुड यार, मस्त गाड़ी चल रही है, इतनी बेहतरीन यार। यहाँ पे घाट्स है ना, जो घाट्स में मज़ा आता है ना गाड़ी चलाने का, इट्स ऑन अनदर लेवल, ये फीलिंग सिर्फ एक राइडर ही समझ सकता है। तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट, और काफ़ी सस्ता, काफ़ी चीप है यार सब कुछ यहाँ। बिफोर मील भाई तगड़ी कॉफ़ी पीते हैं, बेहतरीन। ऐसा है कहीं भी रास्ते में अपने जैसे लोग दिखे ना, गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई दिख जाए, रुक जाओ। और अभी तो स्कैम भी करने लगे लोग भाई, जो ढाबे वाले हैं ना
वो गाड़ी लिटरली जो ख़राब गाड़ी रहती है ना वो अपने ढाबे की बार खड़ी करने लगे हैं ताकि लोग वो देख के अंदर आएँ। सो ये स्कैम चालू हो चुका है अभी दिल्ली के साइड, धीरे धीरे आई थिंक हर सबको ही फॉलो करेगा। नॉइज़ फिल्टर कॉफ़ी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतना सारा खाना खाने के बाद अगर कॉफ़ी ना पियो ना तो अच्छी खासी नींद आएगी फिर, इसलिए कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है। सो कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं। एक घंटा मुश्किल से यहाँ से और लगेगा एंड विल रीच। और दी हॉस्टलर 2 है कुर्ग में, तो मैं जो रुकने वाला हूँ जहाँ पे उसका मैं आपको सब चल के लोकेशन दिखाता हूँ कैसा क्या सीन है। और उससे अगर प्रॉपर्टी अच्छी लगी थी हॉस्टलर की, यार हमेशा हॉस्टलर जहाँ भी अवेलेबल हो ना आँख बंद करके रुक सकते हो। चल के आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी, एक घंटे का रास्ता। सी यू गाइस इन द रोड। का मार्केट तो बहुत बड़ा लग रहा है, एक नंबर। नाइस, अपना होटल किधर है? चलो भैया दी हॉस्टलर। ये मैं पता है क्या रिकमेंड, आई डोंट नो मैं करूँगा या नहीं करूँगा क्योंकि सिटी से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर दूर है यार, इतना ज़्यादा दूर मैं रिकमेंड शायद से ना करूँ। देखते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। 300 रुपये का रूम मिला है भाई, देखते हैं। ऑफ रोडिंग। ओके, द प्रॉपर्टी लुक्स गुड। तो भाई चेक इन वगैरह सब हो गया एंड दिस इज द हॉस्टल प्रॉपर्टी। दिस इज द कॉमन एरिया, ऑब्वियसली आई विल शो यू माय डॉर्म। बहुत सही यार, 300 रुपये में जस्ट look at the greenery man, what is this, just have a look, I mean so damn beautiful। मेरे को लग रहा है बरसात में जगह कितनी ज़्यादा सुंदर हो जाती होगी। and this is again something common area type का है। और ये यहाँ पे देख सकते हो प्ले एरिया भी है, सब कुछ है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सब कैरम वगैरह है, फूसबॉल है एंड रेस्टोरेंट भी है। चलो को रूम दिखाता हूँ मेरा। ये देखो भाई, ये है लाइक सबसे नीचे वाला वो, और ये अपना डॉम है। मस्त रहा है यार, अच्छा है। बट एक कैच है, यहाँ पे इतना कूल वेदर है कि यहाँ पे एसी आता नहीं है। और ये देखो ये अपना बेड नीचे वाला ले लिया अपन ने। वॉशरूम दिखाता हूँ, मस्त है भाई वॉशरूम एकदम साफ सुथरा बढ़िया, कुछ चाहिए नहीं इससे ज़्यादा। और ये देखो 300 रुपये में क्या चाहिए, 300 रुपये में से ज़्यादा क्या चाहिए। अगर मैं पॉसिबल रहा तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।